रहमान रहीम, रिमेंजर ग्रुप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंतज़ार की घड़ियाँ आज हो गई हैं ख़त्म। यानी कि ये जो चिनाई हुई थी उसके बाद आपको बताया था शटरिंग लगनी है। शटरिंग जो है तकरीबन कालमों बीमों की कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ दो कालम रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक लगा देते हैं, क्योंकि शटरिंग वाले हमारे हाजी तारक साहब मौजूद हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक दिन में 5 फुट 5 मरले की शटरिंग जो है कालमों बीमों की लगाई है। ये थोड़ा सा काम रह गया था, ये तो रेडी थे, तो सिर्फ सुस्ती थोड़ी सी हमारी तरफ से हो गई। हमने कहा यार चलें काम जो है एक दिन देर हो जाए कोई मसला नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। किसी वजह से देखें ये प्रॉपर जो है माशाल्लाह कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। भाई आपका क्या नाम है? पास शटरिंग वाले मोहम्मद रियाज साहब भी साथ इनका दे रहे हैं जी। कल 4 बंदे थे, आज माशाल्लाह 2 हैं, क्योंकि काम थोड़ा था। आगे जाए तो आगे सांवल मियां खड़े। सांवल की हाल है? इकराम की हाल है तेरा? ठीक है, सरिया वाली पार्टी जी माशाल्लाह। इकराम भाई और सांवल भाई लगे हुए, ये आप देख सकते हैं, ये साथ साथ काम हो रहा है। सरिये का कालम बीम बनाए जा रहे हैं, कालम तो सॉरी खड़े कर दिए। ये इसके बीम है, ये आप देख सकते हैं सरिये के बीम तैयार हैं। थ्रू आउट ये जितने दीवारों की चिनाई हुई है ये इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद ये चगाठे वगैरह आपको पहले बताया था ये लग गई हैं। ये बैक साइड पे शटरिंग सारी कंप्लीट हो गई है। ये सरिये वगैरह जो हैं ये इन्होंने बना के रख दिए हैं, बीम, इसको बीम कहते हैं। और इसके बाद जो है ये जो बीम लगे हुए शटरिंग उसके अंदर रखेंगे, और कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इसकी बुराई करेंगे। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तानी वाला मामला फरमाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इन्होंने बनाए हैं, ये कालम नहीं है, ये बीम है, और दो बीम ये तैयार करके रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी दीवार जो है ये आप देख सकते हैं, पूरी दीवार तकरीबन ये 40 फुट की है। पूरी दीवार में जहाँ पर चिनाई हुई है थ्रू आउट आएगा, खिड़कियों के ऊपर जो है उसके जो रिंग की स्पेस वो कम है, इसकी ज़्यादा है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी है, ये मेरा ख्याल बेहतर है सरिये वाले इकराम भाई से पूछ लेते हैं कितनी रखी है इसने। इकराम भाई ये सरिये ये रिंग डाला है आपने, सेंटर टू सेंटर कितनी स्पेस रखी है? ये सर तकरीबन 8 इंच। ये मैं आपको बता देता हूँ नाजरीन, ये जो सरिया के जो बाहर तारें लगी हुई है ना, यानी बाहर सरिये की तार, ये जो है ये 4 सूत्र की है, और ये जो रिंग बना है ये 3 सूत्र का है, और ये सेंटर में जो स्पेस है ये 8 इंच की है। जहाँ पे खिड़कियाँ आ रही हैं उधर उसकी स्पेस कम कर दी गई है, उधर 6 इंच की है। और इसी तरह ये थ्रू आउट है, ये बीम जो है ये डाले जाएंगे शटरिंग के बाद, और अभी जो छत के ऊपर भी सरिया डाला जाएगा। जी बच्चे आपका अपना काम जारी रखें, मेहरबानी, आपका टाइम थोड़ा सा लिया मैंने। और ये साथ साथ शटरिंग का काम भी हो रहा है, और साथ साथ सरिये वाले बेचारे लगे हुए हैं। आज फिर गर्मी हो गई है, तो मौसम वो गर्मी नहीं है जो तपश वाली होती है, थोड़ा सा सूरज निकला, थोड़ी सी गर्मी है, और ये लगे हुए हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ये कंप्लीट हो जाएगा, सुबह इंशाल्लाह ज़रा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इंशाल्लाह बुराई होगी। मैनजे ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, रफ़ी ब्लॉक बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। आप काम जारी रखें। ये ऊपर जो एक डॉन वाशरूम है उसका ये सरिया बंदा लेके जा रहा है, ये वाशरूम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जो उसकी छत का बंद सरिये का बंदोबस्त कर रहा है। ये नाजरीन आप देख सकते हैं ये 9 इंच की दीवार है थ्रू आउट, ये देख सकते हैं सारी, इसके ऊपर पूरी के ऊपर जो है ये बीम डाला जाएगा। पहले शटरिंग लगी है, उसके बाद वो बीम उन्होंने बना के मेरे ख्याल अंदर रख लिया, तो ये इसके अंदर पूरा बीम जो है ना, इसका ये होता है कोई भी चेंजिंग आप करनी चाहें, बाहर वाली दीवार में तो नहीं कर सकते क्योंकि साइड वालों का घर भी बनेगा, तो अंदर में कोई दीवार जिस जगह से मर्जी 7 फुट से नीचे से जहाँ से मर्जी निकाल कर आप कोई चेंजिंग कर सकते हैं, कोई दरवाज़ा इधर उधर करना है, क्योंकि इतना हैवी बीम डाला होता है। और ये जो है वो आपको ऊपर ये सरिये के डबल नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे एक जान हो जाएंगे, सारे इसमें जकड़ जाएंगे, क्योंकि वो बीच में जो बीम लगेंगे इनके, और ये जो कालम है ऊपर खड़े हैं ये जो तकरीबन 4-4 फुट के, ये छत के अंदर चले जाएंगे। जब छत बांधेंगे वो छत का जो जाल होगा सरिये का, ये उसके साथ जो है
इसको बैंड करेंगे, पहले नहीं करेंगे। ये छत के सरिये के जो लेंटर है उस सरिये के साथ इसको बैंड किया जाएगा और ये आपस में जो है वो एक जान हो जाएंगे। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शटरिंग जो है हमारी मुकम्मल हो गई है, बीम रखे जा रहे हैं। जी जी रखें, आप काम जारी रखें। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले जैसा कि बताया ये भी ठोस दीवार है पूरी, ये 40 फुट की दीवार है, वो आगे तक आप देख सकते हैं उसमें ये बीम रखा जा रहा है। और बाकी जो छोटे पीस हैं, यानी जिस तरह ये बेडरूम है, ये किचन है, और इसके साथ ये जो है ये देख सकते हैं ये खिड़की के ऊपर आ रहा है। और खिड़की वाले में जो इन्होंने स्पेस दिया रिंग की, ये दिया 6 इंच की, ये आप देख सकते हैं ये 6 इंच की स्पेस है। जो बाहर ठोस दीवारों पे बीम रखे गए हैं उनकी स्पेस रिंग की जो है वो 8 इंच की है, और इसकी जो बुराई होगी वो 1 फुट की बुराई होगी। और ये डॉन वाशरूम है, इसके आप देख सकते हैं साइड, चारों साइडों पे उन्होंने बीम दिया है, ये आप देख सकते हैं। बैरियर की कंस्ट्रक्शन बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन, ये आप देख सकते हैं। और वो आखिर पे जो है वो बड़ा बीम है, और उसके बाद एक कॉलम है साथ, ये आप देख सकते हैं थ्रू आउट ये बीम जा रहा है, बड़ा बीम। इसमें सरिये नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। रफ़ी ब्लॉक में मैंजे ग्रुप का प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा काम माशाल्लाह हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ। डॉन वाशरूम, इसके ऊपर सरिया आप देख सकते हैं, ये जाल बांध दिया गया है। इसका साइज़ जो उन्होंने स्पेस दी है 6x6 की दी है। और ये साथ देख सकते हैं ये जो सरिये की तारें हैं साथ मोड़ी गई हैं, ये आप देख सकते हैं बीम के अंदर इसको बेंड किया गया है ताकि इसकी मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले शटरिंग लगी है, शटरिंग के बाद ये जो बीम वगैरह है सारे सरिये वालों ने रख दिए, और ये काम तो हो गया कम्प्लीट। सुबह इंशाल्लाह ताला जब बुराई का काम शुरू करेंगे वो आपको वीडियो दिखाएंगे। आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं ख़त्म। यहाँ भी रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।